नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सनातन लोक पर। अपनी लास्ट वीडियो में हमने आपको कलश स्थापना विधि और कलश स्थापना के शुभ समय के बारे में जानकारी दी। हम इस सनातन लोक चैनल पर आपके लिए लेकर आए हैं माता के नौ स्वरूपों की कथाएं एवं नौ माताओं के नौ दिन के ध्यान मंत्र, और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि माता के किस स्वरूप की पूजा करने से मनुष्य को किस किस पदार्थ की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नवरात्रि के नौ दिन माता के अलग अलग नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवदुर्गा कवच एवं स्तोत्र में माता के नौ स्वरूपों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कायतनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतितः। इस मंत्र एवं स्त्रोत्र का नित्य पाठ करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस स्त्रोत अनुसार प्रथम दिन माता शैलपुत्री, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा माँ, चौथे दिन कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन माता कात्यायनी, सातवें दिन माता कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी तथा नौवें दिन माता सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना के उपरांत माता शैलपुत्री की पूजा का विधान है। प्रथम दिन माता शैलपुत्री की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से विख्यात है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषारूढ़ा अर्थात बैल पर आरूढ़ माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवती शैलपुत्री ही पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती के रूप में अवतरित हुई थी। पिता द्वारा अपने स्वामी शिव के प्रति उपेक्षित व्यवहार तथा अपमानजनक शब्द कहे जाने से क्षुब्ध होकर सती ने दक्ष के यज्ञ स्थल पर योगाग्नि के माध्यम से प्राण त्याग दिए थे। इस घटना से देवाधिदेव महादेव इतने कुपित हुए कि उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करा दिया। इधर अपने तपोबल से माता सती ने अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में अवतार लिया। शैलराज की तपस्या से प्रसन्न होकर ही जगत जननी पार्वती उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। पार्वती, हेमवती आदि माँ शैलपुत्री के ही नाम है। नवरात्रि के प्रथम दिन साधक का मन मूलाधार चक्र में स्थित होता है। यहीं से योग साधना का शुभारंभ होता है। प्रथम दिन माता शैलपुत्री का ध्यान मंत्र इस प्रकार है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्कित शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीं यशस्विनी। प्रथम दिन माता शैलपुत्री का प्रार्थना मंत्र इस प्रकार है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वात्साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात नारायणी, तुम सब प्रकार मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्र वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करने से भक्त सदा धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। दोस्तों, यह थी माता के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की कथा तथा ध्यान मंत्र। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि माता की ये वीडियोस माता के सभी भक्तों के पास पहुंच सके और माता के सभी भक्त माता की कथा एवं माता के दर्शन का पुण्य प्राप्त कर सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे की हमारी सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में माता के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की कथा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।